सड़ गई लवा गल गई लवा, अरे तुल्ला तेरी बीबी आ रही है,
कहा कि आने दीजिए हजूर आने है। इतनी मोहब्बत थी, मरने के बाद भी अपने मुर्शिद का पैर दबा रहा था मुरीद। आज हम लोग कितना किया, पढ़े आप इसके बाद ना आए। यही गांव है मौडिया हक्कानी दूर से। मेरे भाई सब मुर्शिद दिखा के गए, ले देख के तो कम से कम ईमान लिया था जा, देखा तो भी नहीं लाया। बहुत सारा इलाका ऐसा इलाका बना के चले गए मुर्शिद। कहा तीन बच्चे गोली खेल रहे हैं यही मोड़िया। मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह ले आ गए, दो तो भाग लिया, एक बच गया, एक बच गया। मुर्शिद ने उससे क्या कहा, नमाज न पढ़ करके अपने मुर्शिद को रुसवा करोगे, उसकी पूरी जिंदगी नमाज नहीं कजा हुई। मर गया बेचारा, पूरी लाइफ अपने नमाज में लगा दिया कि मेरे मुर्शिद की रुसवा न हो, मैं जाऊं तो मेरा मुर्शिद जो है रुसवा न हो। आज हम लोग कितना किया, नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं। माँ बाप की खिदमत शर्त है, अगर माँ बाप अगर नाराज है तो जान ले दीन दुनिया आखिरत सब नाराज, अर्श नाराज हो जाएगा, अर्श से भी अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा। आज हम लोग अपने माँ बाप को छोड़ के, मेरे नौजवान बच्चे नौजवान साथी माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं। चलो अब हमन से ना हो, काहे नहीं होगा तो अल्लाह भी कह देगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। एक तरफ तेरी इबादत रखी जाएगी, एक तरफ माँ बाप रख दिए जाएंगे, तो जान ले कि उसका पल्ला भारी होगा, ये भारी हो जाएगा। देख लें कलमा के बारे में सुन लें, आज हम लोग मुर्शिद के देख लें क्या क्या पढ़े आप उसको। कलमा की मिसाल ऐसी है, खजूर का जड़ जमीन पर, उसका मुबारक तना आसमान पे। यहाँ पढ़ें और वहाँ बक्से, एकदम स्पीड दिखा रहा है। क्या नाम है, दहिया कलबी के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते थे, अल्लाह ताला दहिया कलबी को मुसलमान बना दे, गैर मुस्लिम जालिम था, कहा कि मुसलमान बना दे, दुआ कर रहे थे हमेशा। और दहिया कलबी के दिल में आया कि चलते हैं आज इस्लाम कबूल कर लेते हैं। अब जब चल दिया तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहि सलाम को भेजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह ताला ने सलाम पेश किया है और कहा है कि दहिया कलबी जो है इस्लाम कबूल करने के लिए घर से चल दिया है। अब उसके बाद कुछ ही देर के बाद आ जाता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछा दिया, ऐ दहिया कलबी इस पर से आ जाओ। दहिया कलबी चादर उठा लिया और चूम लिया और रोना शुरू किया, इतना रोया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते हैं, ए दहिया कलबी क्यों नहीं पढ़ते थे कलमा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। दहिया कलबी ने क्या कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी गुनाहों की मगफिरत हो जाएगी किया। कहा कि क्यों, कहा कि मैंने 70 बरस बुद्ध की पूजा किया, 70 जिंदा लड़कियों को जमीन में गाड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि अब जो है वही के इंतजार में हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, कह दो मेरे महबूब से जिसने एक बार कलमा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलु पढ़ लिया, 70 बरस बुद्ध की पूजा और 70 जिंदा लड़कियों को मैं जमीन में गाड़ दिया, अल्लाह ताला सारी गुनाह को माफ कर देता है। क्या काम उसे, आज हम लोग नहीं पढ़ते हैं, पढ़ें।
ना ऐसा वजीफा मिलेगा, ना ऐसी मजलिस मिलेगी, ना ऐसा मुर्शिद मिलेगा, नहीं मिलेगा। फिरका बहुत मिलेगा, आज देख लें सारे लोग फिरके से जुड़े जा रहे हैं, उनके पीछे उनकी नमाज नहीं, उनके पीछे उनकी नमाज नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबरे रसूल पर बैठ के यही कहा, दुनिया के तमाम मुसलमान कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, ये तमाम लोग आपस में भाई हैं। आज हम लोग नहीं, फिरके में लगे हुए मेरे भाई, आप उससे जुटे हैं। अल्लाह ताला पांच वक्त नमाज पढ़ने वाली जिंदगी अता फरमा दे। अपने भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला जो मेरे मुसलमान भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला उसको तो नमाजी बना दे। दुआ करें हर के लिए, दुआ मुर्शिद दुआ करते हैं, इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर। नबी पैगम्बर रश करेंगे, काश की ये दुआ हमें मिली होती जो कि हक्कानी अंजुमन को मिला, कितना बड़ा मर्तबा दिया। आज मुर्शिद हम लोगों को दे दिया, लोग पढ़ो और तुम पढ़ के आना है, इसलिए आप उसकी तबाह करें। नमाज वजीफा कुरान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की महार पकड़ के खड़े हैं, हक्कानी दर्शन जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट की मुहार पकड़ के खड़े हैं, एक देहाती गया जाके कहता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने का आसान रास्ता और आसान तरीका क्या है, तो उन्होंने क्या कहा, पाँच टीम नमाज और पाँच टीम कुरान। हम लोगों का वजीफा कुरान से है, इसलिए वजीफा बोल दिया जाता है। पाँच टीम नमाज पढ़ना और पाँच टीम कुरान पढ़ना। उस देहाती ने क्या कहा, न मैं इससे कम करूँगा न मैं इससे ज़्यादा करूँगा, कह के जाने लगा। नबूवत की अंगुली मुबारक उठ गई, देखो ये जन्नती जा रहा है, ऐलान कर दिया। आज अपने बच्चों को कहा अपनी नमाज पढ़ने के लिए हैं, आप उसको कहते हैं सिखाते हैं कि बेटा नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, पढ़े कि ना पढ़े आप कहें उससे। आप अगर आज ही कह दे कि बाबा मोबाइल चाहिए 50,000, अरे बेटा 50,000 बहुत होता, ना देवो तो भाग जी खट से दे रहा मामा, ले बेटा मत जाइयो, अरे कहाँ जाइयो, ना जाइयो, नहीं जाएगा। देख लें एक माँ जो है अपने औलाद को कह रही है, सिखा रही नमाज पढ़ना। आज हम लोग कितना कहा अपनी औलाद को, दे दिया मोबाइल, बजा बेटा 12 बजे रात तक और सुबह 8 बजे तक सोना, कोई जगाने वाला नहीं, फरिश्ता सुबह फरिश्ता चलता है। आज बच्चा जो है परेशान है, क्यों, अपने अमल से परेशान है वो बेचारा। देख लें क्या नाम, एक माँ जो है अपने औलाद को जो है कह रही है बेटा नमाज पढ़ ले, कैसे ही कई दिन कहती है, और लड़का क्या कहता है, माँ नमाज नमाज करती है, क्या नमाज है, नमाज पढ़ने से पैसा मिलेगा, कहा कि हाँ बेटा नमाज पढ़ने से पैसा मिलेगा। अब जो है वो जो वजू बनाना शुरू करते थे तो उनकी माँ मसल्ला बिछाती, उसके नीचे पैसा रख देते, यहाँ तो मोबाइल रखा जाता, 50,000 ल बेटा चल जा, कहे को मेरी पढ़ी कि ना पढ़ी, कह कहने होगा, नहीं तो आप की मुहार है। दे दिया 1,50,000 1 करोड़ रुपया, कहा तने जाके ढुक जाता दूसरा हो रही नहीं, इसलिए देख लें आप जो है डेली उसमें पैसा रख देती, वो नमाज पढ़ते और जब मुसल्ला उठाते तो उसमें पैसा मिलता, बहुत खुश हुए। ऐसे ही बहुत दिन सिलसिला चला चलता रहा। उसके बाद एक रोज मगरिब का वक्त हो गया, हक्कानी दरूद शरीफ मगरिब का वक्त हो गया, उनकी माँ जो है नमाज पढ़ के अपना खाना बनाना शुरू कर देती है। वो आते हैं जल्दी जल्दी, वजू किया,
और जो है मसल्ला बिछाया और नमाज के लिए खड़े हो गए। उनकी माँ ने क्या कहा, अल्लाह जो मेरा काम था मैंने कर दिया, अल्लाह हिदायत देना तेरा काम है। जब पूरा नमाज से फारिग हुए फिर उसी अपने मुताबिक जो है मसल्ला को उठाते हैं, पूरा पैसा से भरा हुआ था, हीरे जवाहर बहुत सारा पैसा था, पहले तो एक जूठे रहा पूरा भर के दे दिल रामिया, कहा कि ए माँ ये हमको नहीं चाहिए, अल्लाह जिसमें राजी उसमें हम भी राजी, तब तो कामयाबी। नमाज पढ़ी, अपने बच्चों को कहें औलाद को कहें परेशानी क्यों है, घर में शैतान है, घर में नमाज नहीं, कुरान नहीं, माँ बाप की खिदमत नहीं, सब चीज़ से बच्चे दूर होते जा रहे हैं मेरे भाई, कोई कहने वाला नहीं, डर है कि कहीं भाग न जी भागी ना, इतना उनके फैसिलिटी मिले बा कि ना भागी कब वो कह दो। इसलिए आप अपने बच्चों को नमाज, मस्जिद खाली है मेरे भाई, हाँ इतना बढ़िया खूबसूरत मस्जिद बनाया है, आज हम लोग नमाज के लिए नहीं जाए, देख ले मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह हकानी दरुसरी अपने मुर्शिद से क्या कहते हैं, सुफिया जन गाची रहमतुल्लाह अलैह थे, क्या कहते हैं, हजूर हम अजमेर जाएंगे, हाँ अजमेर जाएगा, तमाम जितने दुनिया के औलिया हैं सबकी हाजिरी हक्कानी अजमन मुर्शिद करके दिखा रहा है, देख ले मौलाना कहाँ जाएगा, कहा कि हजूर हम अजमेर जाएंगे, ठीक है जाओ मेरा सिजरा लिख दो, सिजरा लिखना शुरू कर दिया, सारे औलियाओं की हाजिरी शुरू हो गई। अब उसके मान जो है यहाँ तक कि ख्वाजा साहब का नंबर आ गया, ख्वाजा साहब का नंबर आ गया, मुर्शिद ने क्या कहा, ए मौलाना ऊपर मत देखना, मना कर दिया, तिरछी निगाह देखा, पूरा सिजरा लिख दिया, उर्दू में लिखा हुआ था, वहाँ कोई पढ़ता नहीं था, आप लोग तो बहुत पहले से जा रहे हैं, खाली देख के चले आए, लिखा हुआ था मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह के हाथ मुबारक से लिखा हुआ था। अब कहें यह जब ख्वाजा साहब का नंबर आया तो मुर्शिद ने क्या कहा, अरे मौलाना ऊपर मत देखना, और तिरछी निगाह देखा और सारा जो है उनका सिजरा लिख दिया, देख लें अजमेर से बागमारी को मुर्शिद जोड़ दे रहा है, यहाँ तक कि मक्का के इमाम का नंबर आ गया। ये अल्लाह के औलिया हैं, लोग कहते हैं वीजा पासपोर्ट चाहिए, देख लो करके मुर्शिद दिखा रहा है, आज हम लोग उस पर भी यकीन नहीं किया, अब तो वे बाकी भतीजो बकुलिया अमरजो बकुलिया ना, मुर्शिद दुआ करते इलाही रहमत ज्यादा कर तमाम आलम पर, कहा कि उसके मान जो है क्या नाम है, कहा कि मौलाना ऊपर उठा के सिर उठाओ, सिर उठाते हैं, कहा कि ये कौन है, कहा कि ये मक्का के इमाम है, ये मक्का के इमाम हैं। अब जो है असर या मगरिब का वक्त हो रहा था, जाने लगते हैं, मुर्शिद सवाल करते हैं, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हजूर नमाज कहाँ पढ़ेंगे, कहा कि एक पर यहाँ और दूसरा पैर खाना काबा के सर जमीन पर होगा, यही इनकी सवारी है। आप माने अपने मुर्शिद की इत्तबा करें भाई, मुर्शिद ऐसा नहीं मिलेगा, हकानी दरुस्त मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म हुआ है, मौलाना इदरीस का जी हजूर कहा कि बरो मास रोजा रहना, बरो मास साल में 5 दिन रोजा हराम है, हम तो 4 ही दिन जानते, 5वां नहीं मालूम हमको, 4 दिन 5 दिन रोजा हराम है, इसलिए 5 दिन नहीं रहते थे, 5 दिन नहीं रहते थे, क्या नहीं कह सकते थे कि हम रोजा नहीं रहेंगे हजूर, कह सकते थे लेकिन नहीं, जिसमें मुर्शिद राजी उसमें हम भी राजी, तब तो कामयाबी। आपका मुर्शिद क्या क्या, नमाज वजीफा कुरान माँ बाप की खिदमत, यही आपका हुक्म है, पढ़ें 4 चीज लेके जाएं, मुर्शिद कहता है सीधा जन्नत, 4 चीज करने होगा,
हलाल खाने होगा, हराम से बचने होगा, सूद नहीं लेने होगा, इंटरेस्ट नहीं लेने होगा, लोन नहीं लेने होगा। अब तो हम लोग कहते हैं लोन लेना है, काम करो हो काम करो, तब ले जाके फसड़ जाता। हक्कानी अंजुमन में लोन काम ना करी, कुल मुर्शिद काम करे, मुर्शिद के हुक्म के काम करेगा। इसलिए आप अपने मुर्शिद की इत्तबा करें। अल्लाह ताला जो मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। हक्कानी दरूद शरीफ। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ورحمة الله من سبعين من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وحرمة الأزريات مجموعة وصحابي أولياء يوم الدين مين كما صلين صلوا مبارك دورين على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। حافظ صاحب قبلہ ایک ختم ڈیلی قرآن پڑھتے تھے, ایک ختم جب تک نہیں ہوتا تھا तब तक वो सोते नहीं थे। हम लोग 12 बजे के रात के बाद जो है टटरा, लेकिन नहीं, उनका 12 बजे रात के बाद ही रात होता था। नहीं, आप लोग तो देखे हैं पूरी रात कुरान पढ़ना। अल्लाह का औलिया कुरान के साथ, मुर्शिद हमारा कुरान को अपना सब चीज़ बना लिया, दिल में रख लिया, सिर में सब कुछ बना लिया। कहा तुम भी लो और तुम भी करके आओगे, वरना वहाँ पछताओगे, तुम्हें पछताना होगा। इसलिए आप उसके बाद हक्कानी दर से اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته الأزهريات من معاذ وصحبه أولياء أمة إجمعين كما صليت على مبارك دورهم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। देखिए सामने जो है हलवा का दिन आ रहा है, टाइम है, अभी आ रहा है, टाइम आ गया। मैं वैश्यकर्णी रहमतुल्लाह अलैह कितना यही सुन्नत के सुन्नत, कैसे लोग कहते हैं ना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए। अब वैश्यकर्णी रहमतुल्लाह अलैह को पता चलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद कर दिए गए। मार के उठा के एक दांत तोड़ दिया, एक दांत तोड़ दिया। उसके बाद फिर सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद किया, मार के सारे दांत को तोड़ दिया। मेरे भाई ये सुन्नी है, सुन्नत पर अमल करना, ये सुन्नी हुए। हम लोग तो खाली लड़ाई करते हैं, तो सुन्ने हम काज निकाह काज निकाह, नमाज पढ़ लो ना, नमाज पढ़ा नहीं पढ़ा। आज हम लोग बारोफात की रात देखते हैं ना, पूरा झंडा लागल बा, एहले वहाँ तक कह देव तो कह दे कि देवबंदी हो ना, खट से कह देगा तू कितना मानत रहो, मानत रहो। नमाज पढ़ा नहीं, कुरान पढ़ा नहीं, रात को जागा नहीं, सुबह झंडा लेके फील्ड में मैदान में कहा हो, टोपी लगा लो, मुसलमान को प्रचार करो, नमाज से प्रचार करो, कुरान से प्रचार करो, अपने माँ बाप की खिदमत से प्रचार करो। इसलिए आप उसकी इत्तबा करें। आपका मुर्शिद ने नमाज दिया, कुरान दिया, वजीफा दिया, माँ बाप की खिदमत करने के लिए कहा। ए अल्लाह ताला माँ बाप की खिदमत करने वाली जिंदगी अता फरमा दे। ए अल्लाह ताला जो मेरे मुर्शिद ने मुझे दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह ताला नमाज वाली जिंदगी अता फरमा दे। ए अल्लाह ताला मुर्शिद की नाफरमानियों से बचा दे। दुआ करें अल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला आज हमारे नौजवान बच्चे नौजवान साथी सुन रहे हक्कानी दरूद से। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبينا محمد وعلى آله وحرمة الأزريات مجموعة وصحابي أولياء أمة إجمعين كما صليت وسلم وبارك دورهم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد। माँ बहने बेटियाँ सुनेंगी, खास तौर से आज मोबाइल का जमाना है मेरे भाई, टीवी का जमाना है, वैसे ही नस्ल आ रही दुनिया में ऐसे ही, क्योंकि वो टीवी देखी है इसलिए टीवी देख रहा, इसलिए टीवी मोबाइल चलाई इसलिए मोबाइल चला रहा। ये हक है, माँ की शिकम में है वो भी बच्चा टीवी देख रहा है मोबाइल चला रहा है। मेरे देख लें बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब उन अपनी माँ के शिकम में थे तो उनकी तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई, पांच वक्त तो छोड़ दें,
तहज्जुद की नमाज कजा नहीं हुई। अब जो जब पेट से बाहर हुए पहले वजू करती, दो रिकात नफिल नमाज पढ़ती, तब अपने औलाद को दुआ कर दूध पिलाती और दुआ करती, ऐ अल्लाह ताला मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखें और ईमान ना दें। अब जो है ऐसे ही हुआ मुख्तसर में, कुछ दिन के बाद वैसे ही होता है, आके कहते हैं कहा कि ये माँ लोग देखे हमको ईमान ला दिया। कहा ए बेटा ये तेरा नहीं ये मेरा है, मैंने तेरे लिए दुआ किया कि मेरे फरीद को ऐसा बनाना कि लोग देखे और ईमान ला दें। उन्होंने क्या कहा, ये आज नस्ल देख लें, आज नस्ल माँ बाप को धक्का मार के चली जा रही है, यहाँ तो धक्का मार दे वो वहाँ वहाँ तैयार वहाँ लामिया डंडा लेके वहाँ ना छोड़िया ले जाकर लटका दिया जहन्नम में लटका दे इसको देख ले। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, ऐ माँ सुन ले जब तक मेरी माँ जन्नत में नहीं जाएगी ये तेरा बेटा फरीद भी नहीं जाएगा। आज नसल फैसला कर ले, नहीं माँ बाप को धक्का मार दिया, माँ बाप को उल्टा कह दिया, सीधा मार दिया, पड़ाका मार दिया, नहीं ये हाथ जो है जहन्नम में डाल देगा अल्लाह ताला। जिस हाथ को आपने उठा दिया उस हाथ को अल्लाह ताला नहीं बर्दाश्त करेगा, जहन्नम में डाल देगा। एक औलाद जो है अपने माँ को जो है दुनिया में खूब तकलीफ दिया, यहाँ तक कि उसके नाखून को टान दिया, अब उसके बाद जब उसकी मौत हुई अल्लाह ताला ने ले जाके जहन्नम में वो जगह दिया जो उल्टा मुझुक चढ़ा करके उसको बांध दिया और लटका दिया, नीचे से आग लगा दिया। अब चिल्ला रहे लड़का, हाय मौत हाय मौत, वहाँ मौत आई, अब जा खूब तड़प, माई बाबा तकलीफ में बा, तू तकलीफ में रहो, मत सोचिए कि हमारा में। इसलिए अपने माँ बाप की इत्तबा पहले करें, नमाज का तो कानून है अल्लाह का, माँ बाप को नाराज न कर देख लें। उसके माँ जो है अब उनकी माँ जो है जन्नत में थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो कहा कि ए अल्लाह ताला इतना प्यारा चेहरा है जो जहन्नम में लटका हुआ है, ए अल्लाह इसकी मगफिरत कर दे। अल्लाह ताला ने क्या कहा, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन नहीं। अब जो है इनकार हो गया, अब परेशान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाते हैं, उनकी माँ से कहा कि अपनी औलाद के लिए दुआ करे, कहा कि ना, कह दिया नहीं, जो उसके सजा था अल्लाह ताला ने उसको दे दिया, मुझे दुनिया में उतना तकलीफ दिया कि मैं बर्दाश्त करने के लायक नहीं था। नहीं आज हम लोग कहते हैं ऐ माँ नहीं चले जा, चेहरा पर बल आ जाता, बाबू के डांट देता, भाई डांट देता ना, डांट तो देवो यहाँ देख लो। उसके मान जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि चलो अपनी औलाद को देख लो, कम से कम जब देखती हैं तो अपना हाथ जो है चेहरे पर रख दिया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख ले माँ की ममता, माँ की मोहब्बत जोश मार रही है। कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसके गुनाहों को माफ़ कर दिया, इतना कहना था, सब चीज़ अपने आप से खुल गया। लड़का दौड़ता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, कहा कि ये मेरा नहीं ये तेरे माँ की दुआ है जो अल्लाह ताला ने आज तुमको जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाल दिया। यही है माँ बाप, माने आप कोई दुनिया में काम नहीं करेगा, माँ बाप ही तेरा सब कुछ है, सब कुछ है, दीन दुनिया आखिरत सब नाराज हो जाएगा। ए अल्लाह के औलिया देख लें, अल्लाह एक मुरीद जो है ख्वाब देखता है कि मैं अर्श को लिए हुआ हूँ, हकानी जरूर शरीफ अल्लाह अर्श पे लिया हूँ, देख ले अल्लाह का उलिया माने देख ले, कह रहा है रात को ख्वाब देखता है कि क्या नाम है, मैं अर्श को सिर पर लिए हुआ हूँ। अब सुबह उठता है परेशान है, इस ख्वाब की ताबीर किससे पूछा जाए, तो कहता है चलते हैं मुर्शिद के यहाँ, देख ले मुर्शिद अपने मुरीद को किस तरह बुला रहा है, मालूम नहीं था उसको।
जब पहुंचता है तो वहां क्या देखा कि मुर्शिद का जनाजा मुर्शिद के घर से निकल रहा है, परेशान है। कहा अल्लाह अपने ख्वाब की ताबीर किससे पूछे, मेरा मुर्शिद तो चला गया। अब जो है इतनी भीड़ थी कि कंधा नहीं देने सक रहा था, अब जाके चरपाई के नीचे से सिर लगा दिया। उस जनाजे से आवाज आई, अरे फलाने तुम्हें ख्वाब की ताबीर मिली? तो उसने कहा कि जी हजूर, यानी अल्लाह का औलिया क्या है, अर्श है, माने हमारा मुर्शिद क्या है, अल्लाह का औलिया है, नहीं जिसने गांस से जान दिलवाया। मेरा मुर्शिद क्या है, जिसने करमनाशा की रवानी को बदल दिया। मेरा मुर्शिद वह मुरीद ऐसा था जो कि मरने के बाद भी अपने मुर्शिद का पैर दबा रहा था। मेरे भाई ऐसा बने आप कोशिश करें। इलाके में सारे लोग देख के गए, सारे लोग करके गए, आज हम लोग उसके ये नहीं करते। नमाज पढ़े, वजीफा पढ़े, कुरान पढ़े, मस्जिद को आज़ाद करें, पूरा भरे उसको। आप अपने बच्चों को कहें नमाज पढ़ने के लिए, हकानी जरूर से اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رحمة للعالمين من سبعين من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وأهل بيته الدنيا ومن وعد مصابه أولياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وبارك عليهم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد مايكيا جور لیتا رہے حقانی درود سے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رحمة للعالمين من سبعين من سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وعلى بيته الذرية وأجمعين وصحبه أولياء أمته أجمعين وما صليت وسلم وبارك عليهم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد مرشد جو ہم لوگوں کے بھی پوشیدہ ہوئے ساگر سنگاپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ہاں ایک مرید گیا مولانا صاحب تھے مولانا صاحب تھے کہ جاتے ہیں حضور میرا آج فلائٹ ہے ہاں فلائٹ ہے جی حضور حج کرنے کے لیے جانا ہے کہا کہ ٹھیک ہے ایک مٹی کا ڈھیلا لے لینا اے مرشد ہے دیکھ لیں اپنے مرید کو کس طرح بچا رہا ہے نا کہا کہ کیا نام ایک مٹی کا ڈھیلا لے لینا مولانا ہم لوگوں کیا نہیں ملے گا بنگال میں سب کے پاکٹ میں ملے وہ استنجا کیا تیمم کر لیا پاک ہو گئے جہاں پانی ملا وضو کر لیا نا دیکھ لیں اس کے بعد جو ہے وہ مولانا صاحب مختصر میں مسکرائے وہاں کہا کہ مولانا لے لینا بچ جائے گا تو تیرا ہاں نہیں تو لے لے گا تو اس کا اب اکیلے ہی ہو کے اس کے بعد جو ہے مولانا صاحب جاتے ہیں ایئرپورٹ پر یہاں تک کہ جہاز میں بیٹھ گئے یہاں تک کہ جہاز اڑ گیا اڑ جاتا ہے ایک یا دو گھنٹہ چلا عصر یا مغرب کا وقت عصر کا وقت ہو گیا کہا کہ اب جو ہے جہاز کا پانی ختم ہو گیا پانی اور آ گئی اب وہ نہ اتری اب تو نماز گجا ہو کے کہ کا گجا ہو کے نہ اترے گا اس کے بعد دیکھ لیں مریض ہاں مرشد کیا نام ہے اس کے بعد جو ہے ڈھیلا نکالا تیمم کے لیے اب پریشان ہیں رو رہے ہیں اے اللہ اس کے بعد جو ہے بہت دیر ہو جاتی ہے کہا کہ جلدی جلدی تیمم کیا بغل والے حاجی کیا کہا اے حاجی ہم کو بھی دے دے حاجی ہم کو بھی دے دے اے حاجی ہم کو بھی دے دے سارے کی نماز کو مرشد نے تیمم کے ذریعے بچا دیا ورنہ نماز قضا ہو جاتی تو سزا کے لیے تیار رہے ان شاء اللہ تعالیٰ نا اب اس کے بعد جاتے ہیں حج کر کے آتے ہیں جاتے ہیں مرشد سے ملنے کے لیے اور دیکھ کے ہی رونا شروع کر دیا اب اس کے بعد مرشد پریشان کیا بات ہے کہا کہ حج نہیں ہوا ارکان چھوٹ گیا کیا بات ہے کہا کہ میرا مرشد جو ہے جہاز کے پانی کو بھی دیکھتا ہے کہا مولانا آج سمجھے ہو مرشد دل کی بات کو جانتا ہے نہیں آپ کا مرشد حق ہے اس لیے آپ اس کی تباہ کریں اس لیے آپ اپنے مرشد کی بات کو مانیں مولانا دیوبندی صاحب رحمت اللہ علیہ حقانی درسے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا نبینا محمد ملانی محل بیت اللہ ذریعات من محل وصحبی علیہ امت اجمعی وما صلى الله وسلم وبارك على ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد مولانا دیوبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے مرشد نے کیا کہا اے مولانا آپ تو مولانا ہو
जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजू करते थे, करके दिखा दे। मौलाना साहब परेशान हैं, कहा कि चलो हाउस पर बैठ जाओ, नहीं बैठते हैं, खड़े रहते हैं। कहा कि मौलाना बना के तो दिखा दे, आप तो आलिम हो, देख ले। मुर्शिद प्रैक्टिकल किया, मुर्शिद प्रैक्टिकल करके अपने मरीज को दिखा रहा है। कहा कि अब उसके बाद जो है वजू बनाना शुरू कर देते हैं, हाथ धुलते हैं, तब से मौलाना साहब बेहोश हो गए। ऐसे ही छीटा मारा, ऐसे ही वजू पूरा करते करते 3 बार बेहोश हुए। जब पूरा हो जाता है, मुर्शिद ने सवाल किया, अरे मौलाना तूने क्या देखा? कहा कि आपके बगल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। कितना बड़ा मर्तबा दिया अपने मुरीद को। आज हम लोग नहीं मानते, माने, नमाज पढ़े, कुरान पढ़े, वजीफा पढ़े, माँ बाप की खिदमत से जुटे, लोन से बचे, बहुत सारे पैसे ऐसे हैं जो कि आपके लिए वो पॉइजन बन जाएगा। पॉइजन नहीं, पूरा काम खत्म कर देगा। मेरे भाई, नमाज वजीफा कुरान, अल्लाह ताला नमाज वाली जिंदगी देता फरमा दे। अकाली दर से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। आज हमारी माँ बहने बेटियाँ टीवी से जुटी हैं, मोबाइल से जुटी हैं, देख ले, नमाज से जुटे, कुरान से जुटे, वजीफा से जुटे, माँ बाप की खिदमत से जुटे। देख ले, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की माँ, जब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अपनी माँ के शिकम में थे, तो उनका डेली का मामूल था 18 पारा कुरान पढ़ना, डेली पढ़ती थी। आज हम लोग की माँ बहने बेटियाँ डेली टीवी चलाए, मोबाइल चलाए, हैं और कुछ नहीं, काम टाइम पास हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। वैसे ही नस्ल आ रही दुनिया में। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब अपनी माँ के शिकम से बाहर हुए, अब उनका अरबी पढ़ने का वक्त हो जाता है, तो उनकी माँ ने ले जाके मौलाना साहब के यहाँ दे दिया। अरे मौलाना साहब, हमारा लड़का के अरबी पढ़ा दो, हाँ जमा कर दो, दाखिला करा दें आप। दाखिला हो गया, मौलाना उनकी माँ चली जाती है। मौलाना साहब ने क्या कहा? औज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 18 पारा कुरान पढ़ दिया मेरे भाई। आज हम लोग टीवी मोबाइल और कुछ नहीं है। नया नस्ल आई, ए हजरत मोबाइल तुरंत खोल देता, न खोली ना, वैसे ही करके आयल बा, नस्ल से पेट से आयल बा। आप उसकी से परहेज करें। मेरी माँ बहने बेटियाँ नमाज कसरत से, वजीफा कसरत से, कुरान कसरत से पढ़ें, वैसे ही नस्ल आएगी। अगर आपने नमाज पढ़ी तो जान ले कि वो नमाज पढ़ते हुए आया, अगर कुरान पढ़ती हैं तो कुरान पढ़ते हुए आया, अगर वजीफा पढ़ती हैं तो आएगा, तुरंत वजीफा शुरू कर देगा। हजरत के हकानी जरूर से याद बा, पढ़ ले बहू तब याद बा, नहीं तो ना याद रही। इसलिए आप उसकी तवा करें हकानी जरूर से। ख्वाजा साहिब की मजलिस लगी है, जो चीज हराम है वो हराम रहेगा। आपके नहीं, उनको हुकुम था, ख्वाजा साहिब को हुकुम था, तुम कव्वाली कराओ, तुम कव्वाली कराओ, उनको हुक्म हुआ था। पहले अना तो भगा देना, सो भाग लो मैदान छोड़ के। दोबारा अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अरे ख्वाजा तुम कव्वाली कराओ, तुमको क्या हुक्म हुआ बताएं? तो मजार पर कव्वाली होए के चाहिए, हैं खूब डांस करी, नाची पिटी, तोरा करती रह, देख लो ख्वाजा साहेब की मजलिस लगी हुई है। अब उसके बाद ख्वाजा साहब झूम रहे हैं, सारे मरीज झूम रहे हैं, सारे मरीज झूम रहे हैं। अब जो है बादशाह जाता है वहाँ, कहा कि ये शिर्क है, गुनाह है। अब ऐसे ही जो है
कितनाओं अपना काम किया, यहाँ तक कि ख्वाजा साहब का जो तम्बू लगा हुआ था उसमें जो रस्सी था उस सारे रस्सी को उसने अपने सिपाहियों से कटवा दिया, काट इसको, काट के फेंक दे, काट के फेंक दिया, लेकिन तो भी मुअल्लक खड़ा रहा, तो भी कहता है कि शिर्क है, बाजा हराम बा, गुनाह बा, ना तो तू कहत हो कि जाए तोरा कलश जाए जो जी ना हो गो, जो चीज हराम देख लें उसके बाद जो है और जो है बादशाह चला जाता है और यहाँ ख्वाजा साहब की मजलिस खत्म हुई। ख्वाजा साहब फिर जाते हैं उसके दरवाजे पे, कहा कि मैं बादशाह मिलना चाहता हूँ, तो उसका सिपाही कहता है कि मिलने की इजाजत नहीं, अल्लाह का औलिया देख लें। उसके बाद जब चले आते हैं बादशाह जो है कुछ दिन के बाद जिंदगी और मौत के बीच में खेलने लगता है, अब जाए तब जाए। अब उसके बाद जो है कहा कि मुझसे कहता अपने सिपाही को भेजता है, ख्वाजा साहब को बुला लाओ, जाके कहता है, कहा कि मैं इंतजार कर रहा था उसका। जब जाते हैं ख्वाजा साहब, वो बादशाह जो है उनके पैर पर गिर जाता है, कहा है ख्वाजा तुम मुझे माफ कर दे और मेरे लिए दुआ फरमा दे कि अल्लाह ताला मरने के बाद अच्छी जगह इनायत अता फरमा दे। हैं अब उसके तेरा सिर कहाँ गया, अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके लिए मेरे लिए नहीं मेरे भाई, मेरे लिए नमाज वजीफा कुरान है, माँ बाप की खिदमत है, जो चीज़ हराम है वो हराम रहेगा, हलाल कभी नहीं हो सकता है, इसलिए आप उसकी इत्तबा करें। हैं इसलिए आप अपने मुर्शिद के जो हुक्म है उसके हुक्म को माने, जो चीज देख लें। एक मरीज मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह के जा रहा है हकानी दुरुस्त अल्लाह मदरत ने मारे कलाम करीम रहमत ने रानी बन सबाय ने उनसे इतना मारा ने नबी ने मोहम्मद ने मारा आली बन बन तो रान जरिया तो बन वाय ने मसाफे होने या मोहम्मद ने मारे कमाल सल्ले सल्लम ने मारे इतना मारे इतना से इतना ही मरा ही मो वाला ने से इतना ही मरा ही मैं नकाम में तुम मजे देख ले। मुरीद के मुरीद जा रहा है मुर्शिद के यहाँ, हम लोग माना हुकुम देख लें। मरीज जाता है कहते हैं हजरत जो है कहा कि हाँ फलाने क्या चले हो, कहा कि हजूर मरीज होंगे, हाँ मरीज होना तो अच्छी बात है हो जाओ, कहा कि हजूर मरीज तो हो ही लेकिन एक हमारो रहे के चाहिए ए मरीज और ए मुर्शिद देख लें। कहा कि हाँ ठीक है पाँच टीम नमाज पढ़ना, पाँच टीम वजीफा पढ़ना, जितना हो सके परहेजगारी और माँ बाप की खिदमत करना, कहा कुल काम करो लेकिन एक हमारो हो एक चाहिए। कहा कि बोलो क्या चाहिए, कहा कि शराब पिएंगे जो कि सूद हराम है, कह दिया कि ना ना जो चीज़ हराम है देख लें। मुर्शिद क्या कह रहा है, कहा कि वो कहे मुरीद कहा कि हजूर एक ठो मेरा भी हो जो मैं शराब पीऊँगा, शराबी था एक नंबर का यार कुल आए वो करा कह रहा, कहा कि मैं हजूर शराब पीऊँगा उसको नहीं छोड़ूंगा। तो ये कैसे हो, ये नहीं होगा क्योंकि हराम है, सूद हराम है तो हराम है, बचे कोशिश करें अल्लाह ताला मुझे सूद से बचा दे, अल्लाह हराम खाने से बचा दे, हलाल खाने खाने की तौफीक अता फरमा, दुआ करें। देख लें उसके बाद जो है कहा कि तुम एक एक मेरी बात मान ले, कहा कि एक सौ चली लेकिन शराब पी अब मान ना सके, कहा कि ठीक है पीना, कहा कि अब तुम मेरे सामने मत पीना, कहा मुर्शिद आप मेरे सामने मत पीना, कहा कि तो हो जी तू गुजरे मुबारक मरब, हम जाके नदी के किनारे गड़गड़ा ले। देख ले मुरीद और देख ले मुर्शिद, मुर्शिद अपने मुरीद को किस तरह बचा रहा है। अब जो निकलता है अपने दो तीन आदमी से कह भी दिया, मुर्शिद ने इजाजत दे दिया, कहा कैसे हो ना ये नहीं होगा। अब वो जगया शराब खाने में बैठ गया, एक गिलास लिया, कहा कि शराब दे दो, लाके टेबल पे रख दिया और जब उसके बाद जब गिलास को उठाया तो क्या देखा कि उसमें मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा है। अब परेशान है, मुर्शिद से तो मैंने वादा किया, आपने तो वादा किया नमाज कुरान वजीफा, आपने कितना पढ़ा, देख ले वो मुर्शिद मरीज क्या कर रहा है। कहा कि मैंने तो मुर्शिद से वादा किया कि आपके सामने हम नहीं पियेंगे, फिर रख दिया दूसरा गिलास लिया, वैसे ही सिलसिला जारी रहा, तीसरा गिलास लिया वैसे ही सिलसिला जारी रहा, छोड़ के खूब दूर गया। मुर्शिद हर जगह है, मुर्शिद यहीं है, ये देख ले यहाँ यही बैठे हुए हैं सारे लोग, सारे की हाजिरी है यहाँ,
सारे यहाँ से गाजीपुर कलकत्ता सब लोग भरे हुए, वो आँख नहीं जो मुर्शिद देना चाहता है, हम उससे दूर होते जा रहे हैं, है? उसके बाद जो है खूब दूर गया, कहा कि अब यहाँ ना ही हूँ, अब वहाँ भी जब उठाता है तो क्या देखा कि मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा है, ना पिए दिए बुझाता पर रख दिला, दो गिलास ले रख दिया, फिर गया गुसल किया और दो रिकात नफिल नमाज पढ़ के मुर्शिद के यहाँ जाता है। मुर्शिद दूरी से देखते हैं फलाने खूब पिया, कहा कि मेरा मुर्शिद हक है जो मुझे शराब पीने से बचा लिया, वरना मेरा ठिकाना क्या होता अल्लाह ही जानता है। आपका मुर्शिद क्या कह रहा है, नमाज कुरान वजीफा, माँ बाप की तमाम मानी खुश, हमारे नौजवान बच्चे नौजवान साथी माँ बाप से मोहब्बत करें, ऐ अल्लाह माँ बाप से मोहब्बत करने वाली जिंदगी अता फरमा दे, दुआ करें आप। माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज अर्श तक हिल जाएगा, एक बार अगर कह देगी कुछ जबान से तो यहाँ से अर्श हिल जाएगा, मेरे भाई आप तो दरकिनारे हैं, अर्श हिला देगी वो, भले उसका अमाल उसके साथ है लेकिन तेरे लिए भारी है। हक्कानी दर से اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نبينا محمد وعلى آله وأهل بيته ذريته وأزواجه وصحبه وأرياء أمته أجمعين كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد مرشد كهان سے لوگ گئے کہیں کیا نام ہے عرس کل مجلس تھی मुर्शिद भेजते हैं लोगों को, उसमें मौलाना सुफिया मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह भी थे। एक स्टीमर भरा हुआ था पूरा खाली, पीर भाई ये थे उसमें, लोग गए उरुस्कुल मजलिस करके उधर से आ रहे थे और जो है वो जो चकोह में फंस जाता है, अब जाए तब जाए, पायलट ने क्या कहा, सिलेंडर पायलट बोल दिया कि आप अपने क्या नाम ऊपर वाले से दुआ करें, मौलाना वाइज साहब रहमतुल्ला अलैह जाके मौलाना इदरीस रहमतुल्ला अलैह से क्या कहा, ए भैया जहाज डूब रहा है, कहा पढ़ो अकानी दरूद शरीफ क्यों परेशान हो, कहा कि उसके मां फिर गया एक चब्बा ले ले रहा, अब डूबे तब डूबे, कहा कि हमारा वो जो है मौलाना इदरीस रहमतुल्ला नीचे बैठे हुए हैं, कहा कि ए भैया आप जहाज डूब जाएगा, कहा कि पढ़िए अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब मौलाना वाइज साहब रहमतुल्लाह अलैह ऊपर जाके देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि मुर्शिद जो है अपने कंधे मुबारक से ढकेल जहाज को ढकेल के बाहर कर रहा है, ए है मुर्शिद अपने मुरीद को मौत के मुंह से निकाल दिया। उसके बाद सारे लोग जाते हैं, जो भी गया खानकाह में मुर्शिद सारे, बहुत लोग कहते हैं मुर्शिद के कपड़े भींगे हुए थे लेकिन हमारे हाफिज जी ने कहा कि इस पर मिट्टी लगा हुआ था बेटा, मिट्टी लगा हुआ था। उसके बाद जो है मुर्शिद ने क्या कहा, अपने हाथे मुबारक उठाया ए मुरीद और मुर्शिद प्रैक्टिकल किया, खानकाह की बात है बागमारी की बात है, अपने हाथे मुबारक उठाते हैं, कहा कि आज जितने लोग हैं ना सब जन्नत में चले जाए, सब जन्नत में चले जाए, सारे लोग हुकुम का माफिक तो चले गए, एक बैठे रहे, कहा आमी देखो तब जाओ, देखब तब जाए वैसे ना जाए। मुर्शिद का हाथे मुबारक 5 मिनट उठा के रखा, उस मरीज ने कहा आमी जाओ यानी मैं जाऊंगा, क्या देखा और मुर्शिद ने उसको क्या दिखाया, आपका मुर्शिद हक है इसलिए आप उसकी इत्तवा करें, यही दुनिया से जाएगा, आपका मुर्शिद हमेशा आपके साथ है, वहाँ झंडा लगा हुआ है, वहाँ खोजने नहीं होगा, खूब बड़का झंडा बा, अरे वो जो हक्कानी अंजुमन तो हुआ बा, आप उससे मुझे करें नमाज वजीफा कुरान, आपका जो मुर्शिद हुक्म देता है वही करें, हकानी दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाल मुहम्मदिन व रहमतुल्लाहि अलैहि व आलिहि व सहाबाइन व सय्यिदिना मौलाना नबीना मुहम्मदिन व आलिहि व अहलिहि व ज़ुरियातिहि व सहाबाइहि व औलियाइहि व उम्मतिहि कमा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तबारक व तआला सय्यिदिना इब्राहीम व आलिहि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक सहाबी
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे। हैं देख लें मेरे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी, माई बाबा खूब भारी बा, माई बाबा के हम उनका मार देते ही जा, कुछ कह देते ही जा ना। देख लें एक अलकमा रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी होते थे। अब जो है उनके जब जाने का वक्त हुआ, सारे सहाबी खड़े हैं, कहा कि ए अलकमा तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ देते, असद अल्लाह इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु वसद अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल। उनके मुंह पर कलमा नहीं आ रहा, आँख से आंसू गिर रहा है, जारी है। अब परेशान है, सारे सहाबी परेशान है। हकानी दर्शन सारे सहाबी परेशान है, अलकमा कलमा पढ़ दे नहीं आ रहा मुंह में। लोग जाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलकमा को कलमा नहीं आता है, कहा कि उनकी माँ से पूछो, माँ से पूछो। सारे लोग जाते हैं, कहा कि मेरा और अलकमा का हिसाब वही होगा। परेशान है सारे सहाबी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज्ञान में अपने औलाद के लिए दुआ कर दे, नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मेरा उसका वही हिसाब होगा। ये है माँ बाप, देख लें सहाबी है एक तरफ, नबी है उसके बाद जो है कहा कि मेरा और उसका हिसाब वही होगा। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नत से लकड़ी मंगाया जाए, जन्नत से लकड़ी आता है। अब उनकी माँ ने देखा तो कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लकड़ी क्या होगा, कहा कि इसको हम लोग आग बनाएंगे और इसको इसी में अलकमा को डालेंगे, जल जाएगा। ये है माँ बाप, देख ले माँ की मोहब्बत, माँ की ममता जोश मार रही है। कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने इसको माफ़ कर दिया, आप भी दुआ फरमा दें कि इसकी मगफिरत हो जाएगी। इतना कहना था कि अलकमा रजी अल्लाह ताला उन्होंने क्या कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रूह निकल के परवाज कर गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये है माँ बाप। माने मेरे नौजवान बच्चे, नौजवान साथी, अपने माँ बाप को खूब प्यार करें, मोहब्बत करें, इतना करें कि अल्लाह राजी हो जाए। नमाज तो नमाज ही है, माँ बाप एक तरफ और आपका नमाज एक तरफ, एक तरफ रख देगा अल्लाह ताला। हैं कलमा देख लें, कलमा ऐसा चीज है जिसने एक बार कलमा सुन्नुल्लाह एक पल्ले में रख दिया जाए और जमीन और आसमान का वजन एक पल्ले में रख दिया जाए तो भी भारी है, भारी है। पढ़ें, अब इतना आसान चीज क्या मिलेगा। हम लोग का मुर्शिद 2 से 5 मिनट 3 मिनट में वजीफा ख़त्म हो जाता है, सब कुछ भर देता है। जिस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाता है मेरा मुर्शिद, हमारे हाफिज जी कहते हैं अल्लाह का औलिया जिस वक्त दुआ के लिए हाथ उठाता है उसका दुआ उसका हाथ जो है अर्श अजीम से टेक जाता है और अल्लाह ताला उस वक्त शर्मा जाता है, इस हाथ को दुनिया में खाली किस तरह भेजूं। इसलिए मेरा मुर्शिद दुआ करता है, अर्श से टिका के दुआ करता है। नहीं पढ़ें आप, ऐसा मुर्शिद नहीं मिलेगा। हकानी दर से اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك وسلم على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.
मजेद आगा है अपनी मौत से कोई वसन नहीं सामान सौ बरस का है कल की खबर नहीं सुनो ऐसा किनानी कचर बर्तन की आखिर जाओगे मिट्टी के अंदर फरिश्ते रब कहते हैं यह हरदम की पहनो तुम लिबास से मर के मादम हजरत आदम नबी नीचे जमीन के चल बसे नूह किस्ती मान आलम भी यहाँ से चल बसे यूसुफ याकूब इस्माइल इसहाक खलील हाकिम आलम सुलेमान मोहर वाले चल बसे हो दार